Children, now let's continue the chapter. Our topic is evaporation. Evaporation. When water gets heated up by the sun, it changes into water vapor. The change of water into water vapor is known as evaporation. When you put wet clothes for drying, after a few hours, the clothes get dried up and water disappears. Why do tanks and lakes dry up in summer? Where does the water go? This water goes into air in the form of water vapor. To study more about evaporation, let us perform the following activities. जब water सूर्य की गर्मी से गर्म हो जाता है तो वो water vapor में change हो जाता है. इसी water को water vapor में change होने के process को हम बोलते हैं evaporation. जब हम गीले कपड़े डालते हैं तो वे सूख जाते हैं कुछ घंटे बाद. कैसे सूखते हैं? क्योंकि उसका जो water है वो dry हो जाता है और सूख करके गायब हो जाता है. इसी तरह से टैंक्स और लेक्स भी समर में सूर्य की गर्मी से ड्राई हो जाते हैं, मीन्स सूख जाते हैं. वेयर डज द वाटर गो? ये वाटर कहाँ जाता है? ये वाटर एयर में वाटर वेपर के फॉर्म में चला जाता है. ओके, इसको हम करने के लिए एक्टिविटीज़ करेंगे. ये एक्टिविटीज़ चिल्ड्रेन आप घर पे, इस एक्टिविटीज़ को घर पे करेंगे, पढ़ के करेंगे. ओके, द फैक्टर्स विच हेल्प इन फास्ट इवेपोरेशन आर स्ट्रॉन्ग विंड, लार्ज एक्सपोज्ड सरफेस, हाई टेम्परेचर, ड्राई एयर. वे फैक्टर्स जो इवापोरेशन में हेल्प करते हैं, तुरंत इवापोरेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स वाटर को ड्राई करने में जो हेल्प करते हैं वो क्या है? स्ट्रॉन्ग विंड, मीन तेज़ हवा होती है तो इवापोरेशन फास्ट होता है. सरफेस, जो बाहर की सरफेस है, एक्सपोज्ड सरफेस मतलब खुला सरफेस अगर बड़ा होता है तो भी जल्दी इवापोरेशन होता है. टेम्परेचर जब हाई होता है तो भी जल्दी इवापोरेशन होता है, और जब एयर ड्राई होती है तो भी इवापोरेशन तेज़ होता है. Now next is condensation. Changing of water vapor into water on cooling is known as condensation. Let us do the following activity to know what is condensation. Water vapor को water में change करने को cooling पे इसे बोलते हैं condensation. Mean water vapor ठंडा होने पे water में change होता है, इस process को हम बोलते हैं condensation. इसके लिए टेक अ केटल फिल्ड विद वाटर एंड कीप इट ऑन गैस स्टोव फॉर बॉइलिंग. यू कैन ऑब्जर्व द स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द केटल. अलाउ द स्टीम स्ट्राइक द बॉटम ऑफ अ पैन फिल्ड विद आइस कोल्ड वाटर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल सी द वाटर ड्रॉपलेट्स एट द बॉटम ऑफ द पैन. यू कैन इवन कलेक्ट देम इन ए बाउल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन. जब आप केटल को बर्नर पे गर्म करते हो तो आप देखोगे कि उसके पैन के ऊपर वाटर वेपर इकट्ठा हो जाता है, और जब उस पैन के ऊपर आप आइस रखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाटर वेपर जो होता है वे धीरे धीरे वाटर के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगता है. मींस आइस से ठंडा होकर वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होता है, इसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन. वाटर वेपर कंडेंसेस इन डिफरेंट वेज. फॉग. व्हेन द वाटर वेपर कंडेंसेस ऑन डस्ट पार्टिकल इन द एयर इट फॉर्म्स फॉग. फॉग इज लो क्लाउड को क्लोज टू द ग्राउंड. You cannot see things clearly when there is fog. जब water vapor condense होता है dust particles में, जो कि air में dust particles होते हैं, अगर water vapor तब condense होता है, means ठंडा होता है, तो हम उसे बोलते हैं fog. ठीक है, fog क्या है? एक तरह का ground मतलब ज़मीन के नज़दीक का बादल है. आप जब fog होता है तो चीज़ों को clear नहीं देख सकते. Dew. Atmospheric vapor condenses into small drops on cool surface at night. These drops are known as dew. सुबह जब आप उठते हो तो आप देखो कि घास के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं. वो कहाँ से होते हैं? वो जो वाटर वेपर होता है वो कूल होकर के ड्रॉप्स में, वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है. यही हमको सुबह ड्यू के फॉर्म में दिखते हैं. रेन. द सन इवेपोरेट्स वाटर फ्रॉम लैंड एंड द सी. दिस वाटर वेपर गोज अप एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म क्लाउड्स. इन द क्लाउड्स मोर एंड मोर वाटर ड्रॉपलेट्स जॉइन together to make water drops which become heavy and fall down as rain. During stormy weather, the bigger drops of water usually get frozen as ice crystals and do not melt by the time they reach the ground. These are called hailstones and the storm is known as hailstorm. Sun water ko evaporate kar deta hai land aur sea mein se, matlab zameen mein aur samudra mein jo pani hai uska pani evaporate ho jata hai. Evaporate ho karke ye upar jata hai aur cool ho karke cloud form karta hai. यह वाटर वेपर सी का और लैंड का जो पानी है, यह सूर्य की गर्मी से वाटर वेपर में फॉर्म होता है और ऊपर चला जाता है, वहाँ पे ठंडा होकर क्लाउड्स फॉर्म करता है. क्लाउड्स में ज़्यादा से और भी और वाटर ड्रॉपलेट्स ऐड होते जाते हैं जिससे कि ये हैवी हो जाता है और फिर रेन के रूप में नीचे गिरने लगते हैं.
जब वेदर बहुत स्टॉमी होता है, मतलब तेज़ आंधी आती है, तो बड़े बड़े ड्रॉप्स होते हैं वाटर के, वे फ्रोजन हो जाते हैं, मतलब इतने ठंडे हो जाते हैं कि आइस के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और वे ज़मीन में आने तक मेल्ट नहीं हो पाते हैं और वो हेल स्टोन्स के रूप में नीचे गिरने लगते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ओला, आंधी चलती है ना तो ओले गिरते हैं, वो होता है हेल स्टोन। स्नो, इन ऑल कोल्ड प्लेसेस द एयर इन द एटमॉस्फेयर हाई अबव इज वेरी कोल्ड। व्हेन द वाटर वेपर मूव्स अप इट कंडेंसेस टू फॉर्म आइस क्रिस्टल्स इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉप्स, दीज फॉल डाउन एज स्नो। कोल्ड प्लेसेस में जब वाटर ऊपर का एटमॉस्फेयर जो है वो धीरे धीरे, जो कोल्ड प्लेसेस होते हैं वहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कोल्ड मतलब ठंडी टेम्परेचर जो है बहुत कम होता जाता है। जब वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो वे कंडेंस होकर के वाटर ड्रॉप्स की जगह आइस के क्रिस्टल्स में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी यही आइस क्रिस्टल्स फिर बाद में स्नो के रूप में नीचे गिरते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस मच फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू चिल्ड्रन।